हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रैबलर्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये वो इक्वेशन होता है या इस इक्वेशन को इस मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है एंड हायर पेयर 0 होता है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये एफ इक्वल टू 1 रख देंगे, एच इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 3L माइनस 2J माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज ग्रैबलर्स इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन 3L शुड बी इवन नंबर एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन L इज इवन। मींस इस इक्वेशन में ये तभी पॉसिबल है 2J मींस 3L इवन होगा एंड 3L तभी इवन होगा जब हमारा L इवन होगा। नंबर ऑफ मिनिमम लिंक रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिंपल मैकेनिज्म, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा L की वैल्यू, L मिनिमम यहाँ पे 4 होना चाहिए, मींस 4 लिंक्स होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है सिंपल मैकेनिज्म के लिए। L मिनिमम किसी भी सिंपल मैकेनिज्म के लिए L की वैल्यू मिनिमम 4 होनी चाहिए, तभी वो सिंपल मैकेनिज्म बनाएगा, अदरवाइज वो सिंपल फ्रेम या स्ट्रक्चर हो सकता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अगर मान इफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, अगर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है किसी स्ट्रक्चर या किसी भी एलिमेंट की, तो किसी भी सिस्टम की, तो उसको हम फ्रेम या स्ट्रक्चर बोलेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर -1 -2 -3 है तो सुपर स्ट्रक्चर बोल देंगे उसको। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो दोस्तों उसी को हम काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, अदरवाइज वो काइनेमेटिक चेन नहीं बोलेंगे। इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स 2, 3, 4 है तो उसे अनकंस्ट्रेंट चेन बोलते हैं। टू गेट कंस्ट्रेंट आउटपुट इंक्रीज नंबर ऑफ इनपुट। तो अनकंस्ट्रेंट चेन क्या होती है दोस्तों? अगर अनकंस्ट्रेंट चेन से हम लोग कंस्ट्रेंट आउटपुट चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स हमें बढ़ाने होंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट डिज़ायर्ड आउटपुट और कॉन्स्टेंट इनपुट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ, तो हम लोग इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू गेट कॉन्स्टेंट आउटपुट। मींस हम लोग अगर इस तरह के केस बनते हैं तो उसमें हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं टू गेट कॉन्स्टेंट मोशन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।